हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिस पे हम जनवरी माह के करंट अफेयर पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी समय से हमारे वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि 17 फरवरी के बाद हमारे वीडियो आने चालू होंगे, जिसमें मैं आपको जनवरी माह के छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर स्पेशली कवर करा दूंगा। तो अभी आपके आज हम छत्तीसगढ़ के जनवरी माह के करंट अफेयर को कवर करेंगे। जैसे ही आपका मार्च का मंथ स्टार्ट होगा तो मार्च मंथ के फर्स्ट वीक में आपके फरवरी माह के करंट अफेयर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ के जनवरी माह के करंट अफेयर्स पर। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका चर्चित स्थान। चर्चित स्थान में पहले नंबर पर है आपका राजिम पुन्नी मेला। राजिम पुन्नी मेला, जिसे पहले जाना जाता था आपके राजिम कुंभ मेले के नाम से, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है राजिम पुन्नी मेला। वर्तमान में अभी जो नई सरकार बनकर के आई है, उस नई सरकार ने यह निर्णय लिया है कि शास्त्रों में कहीं पर भी पांचवें कुंभ का उल्लेख नहीं मिलता है। आप सभी को मालूम होगा भारत में केवल 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो इस नई सरकार ने यह तर्क दिया कि कहीं पर भी शास्त्रों में आपके पांचवें कुंभ का जो उल्लेख नहीं मिलता है, इसीलिए ने इस राजिम कुंभ मेले का नाम परिवर्तित करके रख दिया है आपका राजिम पुन्नी मेला। ठीक है, ये जो आपके राजिम मेले का आयोजन कहां होता है, ये आयोजन होता है आपके गरियाबंद जिले में। राजिम आपके गरियाबंद जिले में है। ठीक, देखिए, इस जो नई सरकार ने निर्णय लिया, इन निर्णय में जो मुख्य रूप से यह निर्णय लिया गया है, ये लिया गया है आपके ताम्रध्वज साहू के द्वारा। ताम्रध्वज साहू जो वर्तमान में भूपेश बघेल जी की सरकार में आपका पर्यटन एवं सांस्कृति मंत्री है। पर्यटन एवं सांस्कृति मंत्री कौन है अभी छत्तीसगढ़ के वर्तमान में, वो है आपके ताम्रध्वज साहू जी। देखिए, इस विभागों से भी अक्सर अभी आप देख ही रहे होंगे, सारे एग्जाम में इन विभागों से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, तो विभागों को भी याद करते चलिए। ताम्रध्वज साहू कौन है, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री है। इन्हें और दो एक दो विभाग और दिया गया है, लेकिन जैसे जैसे अगर करंट में आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊँगा। आपको दिसंबर माह के करंट अफेयर पर सारे मंत्रियों के विभागों पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी याद रखिएगा ताम्रध्वज साहू कौन है, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री है। ठीक, देखिए, ये जो राजिम पुन्नी मेले का आयोजन कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इसे ये याद रखिएगा, राजिम पुन्नी मेले का आयोजन कब होता है, ये प्रारंभ होता है आपका माघ पूर्णिमा से। माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के महाशिवरात्रि तक, महाशिवरात्रि तक आपका राजिम पुन्नी मेला चलता है। ठीक है, तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि राजिम पुन्नी मेले का आयोजन कब होता है, तो उसमें याद रखिएगा माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा से आपके राजिम पुन्नी मेला प्रारंभ होता है, जो चलता है आपके महाशिवरात्रि तक। ठीक, अब दूसरी बात, ये जो राजिम पुन्नी मेला का नाम, ये पुन्नी मेला क्यों रखा गया है, छत्तीसगढ़ी भाषा में ये जो पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा का ये जो पूर्णिमा है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में पूर्णिमा को पुन्नी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस मेले का आयोजन आपके माघ पूर्णिमा में होता है, पूर्णिमा जिसे छत्तीसगढ़ी भाषा में कहा जाता है पुन्नी, इसलिए इस राजिम कुंभ मेले का नाम राजिम पुन्नी मेला रखा गया है माघ पूर्णिमा में आयोजित होने के कारण। कब से कब इसका आयोजन होता है, माघ पूर्णिमा से लेकर के आपका महाशिवरात्रि तक। यहाँ पे जो है संगम, देखिए, महानदी पैरी और सोंढूर नदी के संगम, यहाँ पे स्नान किया जाता है। जैसे कि कुंभ मेले में स्नान होता है, वैसे ही आपके राजिम पुन्नी मेला के दौरान ये जो आपका महानदी पैरी और सोंढूर, ये संगम कहाँ पर है, आपके राजिम में है। महानदी पैरी और सोंढूर में स्नान किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ के दो प्रसिद्ध मंदिर, देखिए यहाँ पे जो दो मंदिर प्रसिद्ध है आपके राजिम में, एक है आपके राजीव लोचन मंदिर। राजीव लोचन मंदिर ये प्रसिद्ध है, जो कि आपके वैष्णव धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म यानी भगवान विष्णु। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है। दूसरा, कुलेश्वर महादेव मंदिर। कुलेश्वर महादेव मंदिर जो कि आपके शैव धर्म से संबंधित है। ये दोनों याद रखिएगा, राजीव लोचन मंदिर जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है, और कुलेश्वर महादेव मंदिर जो कि शैव धर्म से संबंधित है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और आपको अलग से याद रखना है, राजीव लोचन मंदिर में जो प्रसाद बढ़ता है या जो महाप्रसाद बढ़ता है, वो कहा जाता है उस महाप्रसाद को पीड़िया। याद रखिएगा, पीड़िया, ये प्रश्न ऑलरेडी व्यापम पूछ चुका है। ठीक है, चावल का बना हुआ पीड़िया, राजीव लोचन मंदिर में महाप्रसाद के रूप में चावल का बना हुआ पीड़िया दिया जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक, तो क्या क्या याद रखना है, राजिम का जो कुंभ मेला है उसका नाम रखा गया राजिम पुन्नी मेला, पुन्नी का अर्थ होता है आपका पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा से लेकर के आपके महाशिवरात्रि तक इस राजिम पुन्नी मेले का आयोजन होता है। यहाँ पे जो महानदी पैरी और सोंढूर का संगम है, जहाँ पे स्नान होता है, यहाँ पे राजिम लोचन मंदिर तथा आपका कुलेश्वर महादेव मंदिर, दो प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है। यहाँ के राजीव लोचन मंदिर में आपके चावल से बने पीड़िया को महाप्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ठीक,
नेक्स्ट, देश का पहला नैसर्गिक कोसा अभयारण्य, देश का पहला नैसर्गिक कोसा अभयारण्य यह स्थापित किया जा रहा है आपका कुहेरा राखी ग्राम अटल नगर, अटल नगर मतलब आपका नया रायपुर, ठीक, इसे याद रखिएगा। देश का पहला नैसर्गिक कोसा अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है, कुहेरा राखी ग्राम अटल नगर में। इस आपका जो कुहेरा राखी ग्राम में ये जो नैसर्गिक कोसा अभयारण्य स्थापित किया जा रहा है, इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख नग नैसर्गिक कोसा का उत्पादन किया जाएगा। प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख नग नैसर्गिक कोसा का उत्पादन किया जाएगा, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक, देखिए किसके माध्यम से कोसा का उत्पादन किया जाएगा इसे भी समझ लीजिए। अर्जुनी के वृक्ष या अर्जुन के वृक्ष तथा डाबा कोसा कृमि, देखिए जो आपका ये जो कोसा बनाता है वो कृमि के माध्यम से होता है, तो वही एक प्रजाति है एक कृमि की जो इस कोसा का निर्माण करता है, उस जो कृमि की प्रजाति का नाम क्या है, देखिए डाबा कृमि। ये जो डाबा कृमि है ये अर्जुनी के वृक्ष के पत्तों को खा करके कोसा का निर्माण करेगा, इसे याद रखिएगा। इस नैसर्गिक कोसा अभयारण्य में अर्जुनी के वृक्ष पर डाबा कृमि के माध्यम से आपका कोसा का उत्पादन किया जाएगा। 30 लाख नग आपका नैसर्गिक कोसा प्रतिवर्ष उत्पादित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है कुहेरा राखी ग्राम अटल नगर में। इस नैसर्गिक कोसा अभयारण्य को स्थापित किया जा रहा है, ठीक, इतना सारे फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट, नेचर ट्रेल है ये स्थापित किया जा रहा है आपके तीरथगढ़ और चित्रकूट दो पर्यटन स्थल है जहाँ पे आपका नेचर ट्रेल 3 किलोमीटर लंबा एक सड़क बनाया जा रहा है। नेचर ट्रेल कुछ और नहीं है, यह एक जो जंगल है जंगलों के मध्य में से एक सड़क निकाली जा रही है। जैसे क्या है, कोई भी पर्यटक अगर जाते हैं तो तीरथगढ़ के आजू बाजू जो और जो छोटे मोटे जो आपके पर्यटन स्थल है वहाँ पे जाने के लिए उन्हें काफ़ी लंबा रूट को फॉलो करते हुए जाना पड़ता है, तो उसी के लिए जो छत्तीसगढ़ का पर्यटन विभाग है वो नेचर ट्रेल बना रहा है, यानी जंगल झाड़ियों के मध्य में से सड़क निकाल करके आपका जितने भी वहाँ के आजू बाजू के पर्यटन स्थल है उसे कनेक्ट कर रहा है, ताकि जो पर्यटक आ रहे हैं उन्हें एक ही बार में कम समय में तथा कम मार्ग में चल करके वे सारे के सारे पर्यटन स्थल को कवर कर सके। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नेचर ट्रेल 3 किलोमीटर का लंबा सड़क आपका तीरथगढ़ और चित्रकूट के पर्यटन स्थल पर बनाया जा रहा है। तीरथगढ़ जिसके आसपास के साथ आपके वाटरफॉल यानी जलप्रपात से होते हुए ये 3 किलोमीटर का सड़क आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क को कनेक्ट करेगा। ठीक, तो ऐसे आपका एक नेचर ट्रेल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है अभी जशपुर जिला में नाशपाती के पश्चात। पहले अभी काफ़ी समय से जशपुर आपके नाशपाती की खेती के लिए फेमस था, तो नाशपाती के पश्चात अभी स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है आपके जशपुर जिला में, इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला, तीरंदाजी एकेडमी यह अभी प्रस्तावित है आपके रायपुर जिला में अभी प्रस्तावित किया गया है तीरंदाजी एकेडमी। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तीरंदाजी एकेडमी कहाँ खोला जाएगा या कहाँ प्रस्तावित है, तो याद रखिएगा रायपुर जिले में। ठीक, एक है आपका खेल अकादमी कहाँ है, आपके सरगुजा जिले में। एथलेटिक्स एकेडमी ये कहाँ पर है, रायपुर जिले में। उसके बाद अभी नया आ रहा है आपका तीरंदाजी एकेडमी, ये प्रस्तावित है आपके रायपुर जिले में, तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल जेल। आप सभी को मालूम होगा कि रायपुर में एक सेंट्रल जेल है, उस सेंट्रल जेल को अब ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अभी ट्रांसफ़र किया नहीं जा रहा है, यहाँ प्रस्तावित लिखा है, देखिए ये जो सेंट्रल जेल अभी नेक्स्ट जगह जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो है आपका गोढ़ी ग्राम रायपुर में। अभी इसके लिए भूमि अलॉट हुई है, अभी वहाँ पे पहले बनेगा। एक्चुअली में क्या है, जो रायपुर का जो सेंट्रल जेल है उसमें जितने कैदी आ सकते हैं उससे 1.5 गुना कैदी वहाँ पे रखे जा रहे हैं, यानी क्षमता से ज़्यादा वहाँ पे कैदी रखे जा रहे हैं, इसीलिए इसके लिए नई भूमि अलॉट हुई है आपके गोढ़ी ग्राम रायपुर में। तो नया सेंट्रल जेल, प्रदेश का नया सेंट्रल जेल कहाँ प्रस्तावित है, तो गोढ़ी ग्राम रायपुर में। नेक्स्ट, टाटा संयंत्र अधिकृत भूमि या विवादित भूमि कहा जाए, ये है आपके लोहांडीगुड़ा बस्तर में जो किसानों की भूमि टाटा संयंत्र द्वारा अधिकृत की गई थी, अभी भूपेश बघेल जी की नई सरकार ने उन किसानों को उनकी भूमि लौटाने का निर्णय लिया है।
देखिए ये इस टाटा संयंत्र अधिकृत भूमि का थोड़ा घटनाक्रम समझ लीजिए। वर्ष 2005 में जब भाजपा की सरकार थी तो उस समय 2005 में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार तथा इस टाटा कंपनी के द्वारा 2005 में एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत लगभग 2000 एकड़ की भूमि छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा संयंत्र को अधिकृत या देने का निर्णय लिया था, जिसमें आपका जो ये टाटा कंपनी है यहाँ पे ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थापित करने वाली थी। ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड प्लांट स्थापित करने वाली थी कहाँ पर? लोहांडीगुड़ा में, जिसके लिए किसानों की भूमि अधिकृत की गई थी। आप सभी को मालूम होगा कि सरकार सामाजिक हित में किसी भी भूमि को अधिकृत कर सकती है जिसके एवज में वो किसानों को मुआवजा देती है, ठीक। तो ये जो है जो संपत्ति या जो भूमि को सरकार अधिग्रहित करती है वो भूमि अंतरण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहते, यानी आप उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सरकार सामाजिक हित में कर रही है। लेकिन ये जमीन अटका क्यों है इसे समझिएगा। एक्चुअली में क्या है, ये घटनाक्रम जुड़ता है आपके कोलकाता के हुगली जिले के सिंगूर में, जहाँ पे यही टाटा कंपनी आपके हुगली के सिंगूर जिले में नैनो, जो टाटा कंपनी की एक कार है, नैनो कार का प्लांट स्थापित करने वाली थी वर्ष 2006 में। तो वहाँ पे वह प्लांट स्थापित करने वाली थी, लेकिन उसके बाद वहाँ की भी सरकार परिवर्तित हुई और ममता बनर्जी की वहाँ पे सरकार आई, जिसके पश्चात ममता बनर्जी ने इस किसानों की भूमि में उद्योग लगाए जाने का विरोध किया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर एक याचिका दायर की थी, जिसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि किसी भी हित सामाजिक हित के लिए किसी भी कृषि भूमि का उपयोग उद्योग कार्यों में नहीं किया जा सकता। देखिए, सरकार किसी भी भूमि को सामाजिक हित के लिए अधिकृत कर सकती है, लेकिन किन कार्यों के लिए? जैसे सरकार आपका सड़क बना रही है या रेल मार्ग बना रही है, तो उन कार्यों के लिए अधिकृत कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि कोई भी सरकार सामाजिक हित के लिए किसी भी कृषि भूमि को उद्योग के उद्देश्य से या उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से उसे अधिकृत नहीं कर सकती, जिसके पश्चात टाटा कंपनी को अपना जो नैनो का प्लांट है उसे ट्रांसफर करना पड़ा आपका सानंद गुजरात में, उसने अपना प्लांट स्थापित किया नैनो का। तो वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया था। तो 2005 में तो समझौता हुआ था, जिसके पश्चात 2008 में टाटा कंपनी इस लोहांडीगुड़ा में यह प्लांट स्थापित करना प्रारंभ करती। लेकिन जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया कि कहीं किसी भी आपके कृषि भूमि पर कोई भी सरकार उसे सामाजिक हित का मुद्दा लेकर के वहाँ पे उद्योग स्थापित नहीं कर सकती, तो ऑलरेडी विवाद में फंसे रहने के कारण टाटा कंपनी ने इस स्थान पर ना ही अपना संयंत्र स्थापित किया और ना ही किसानों को पूरी तरीके से मुआवजा दिया, ठीक। तो इसीलिए इस निर्णय के कारण ये जो जमीन है ये विवाद में फंसी रही। तो लगभग 2000 एकड़ की भूमि फंसी हुई थी, जिसे नई सरकार आने के पश्चात भूपेश बघेल जी ने किसानों को वापस देने का निर्णय किया और इस समझौते को रद्द करने का फैसला लिया है, ठीक। तो ऐसा है घटनाक्रम, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पुस्तकें, दक्षिण कौशल अ रिच सेंटर ऑफ अर्ली सेविज्म। ये जो पुस्तक है ये लिखा गया है नीदरलैंड की एक महिला है डॉक्टर नताशा बोस्मा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, जो कि केंद्रित है या जो इसकी विषय वस्तु है वो केंद्रित है आपके वाकाटक वंश के समय जो कला प्रचलित था तथा उस समय के शैव धर्म पर यह बुक केंद्रित है, इसे याद रखिएगा। नीदरलैंड की डॉक्टर नताशा बोस्मा के द्वारा दक्षिण कौशल अ रिच सेंटर ऑफ अर्ली सेविज्म पुस्तक लिखा गया है, जो वाकाटक कला तथा शैव धर्म से संबंधित है, ठीक। नाम याद रखिएगा तथा बुक की विषय वस्तु दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपकी नियुक्तियां। देखिए, नियुक्तियों से प्रश्न आते हैं। विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, पांचवी विधानसभा के नए विधानसभा अध्यक्ष आपके बने हैं
चरणदास महंत। चरणदास महंत जिनका विधानसभा क्षेत्र या जो चुनाव क्षेत्र है वो है आपका शक्ति, शक्ति जांजगीर चांपा। देखिए विधानसभा क्षेत्र भी याद रखिएगा, इससे प्रश्न अक्सर पूछ रहा है। जैसे कि इस बार पीएससी का ही प्रश्न था, जो प्रोटेम स्पीकर थे उन प्रोटेम में स्पीकर का जो विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, पत्थलगांव। तो वैसे ही इसका भी याद रखिएगा कि जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, चरणदास महंत जी। उनका जो विधानसभा क्षेत्र कौन सा है वो है आपका शक्ति जांजगीर चांपा। नेक्स्ट विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बने हैं आपके धर्मलाल कौशिक। धर्मलाल कौशिक को आपका विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, जो कि इनका विधानसभा क्षेत्र है या जो इनका चुनाव क्षेत्र है वो है आपका बिल्हा रायपुर। धर्मलाल कौशिक जो कि वर्तमान में पांचवी विधानसभा में आपके नेता प्रतिपक्ष है, इससे पहले ये तीसरी विधानसभा में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी ये पूर्व अध्यक्ष भी है। ठीक है, अभी तो पांचवी विधानसभा में कौन है, आपके चरणदास महंत। इससे पहले चौथे नंबर पे थे आपके गौरीशंकर अग्रवाल, उससे पहले जो आपके तीसरे नंबर पे थे आपके धर्मलाल कौशिक। ठीक है, सीक्वेंस भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके मुख्य सचिव। अभी प्रदेश के मुख्य सचिव या प्रदेश के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है आपके सुनील कुजूर को। सुनील कुजूर को छत्तीसगढ़ के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान के मुख्य सचिव कौन है, सुनील कुजूर। ठीक, सुनील कुजूर देखिए ये प्रदेश के पहले आदिवासी अफसर है, प्रदेश के पहले आदिवासी अफसर है जिसे प्रदेश के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के 18 वर्ष के पश्चात पहली बार ऐसा है कि प्रदेश के जो प्रशासन की जिम्मेदारी एक आदिवासी अफसर को सौंपी गई है। तो याद रखिएगा सुनील कुजूर मुख्य सचिव। नेक्स्ट झीरम घाटी के एसआईटी के अध्यक्ष चुने गए हैं आपके विवेकानंद, श्री विवेकानंद, जिन्हें झीरम घाटी एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि झीरम घाटी ये घटनाक्रम हुआ कब था, आपका 25 मई 2013 को, ये डेट भी याद रखिएगा, 25 मई 2013 को आपका झीरम घाटी घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता जैसे महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता इसमें नक्सली हमले में मारे गए थे। तो कब हुआ था, 25 मई 2013 को। तो इसके लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है झीरम घाटी एसआईटी, जिसके अध्यक्ष है आपके श्री विवेकानंद। नेक्स्ट है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन है, अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश के वर्तमान में यह है आपके कनक तिवारी। ठीक, उसके बाद पुलिस महानिर्देशक है आपके डीएम अवस्थी, दोनों का नाम याद रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार इस बार छत्तीसगढ़ से दो व्यक्तियों को या दो कलाकारों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया और उन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए पहले नंबर पर है आपकी तीजन बाई। तीजन बाई कौन है, लोक गायिका है, इसे भी याद रखिएगा, लोक गायिका है ये। ठीक है, तीजन बाई लोक गायिका, जिन्हें मतलब जो इन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है लोक गायिका के रूप में प्रदान किया गया है। ठीक, कई लोगों का ये डाउट रहता है कि इनकी शैली क्या है, ये तो आप सभी को मालूम होगा कि ये पंडवानी का गायन करती है, लेकिन कई लोग इस डाउट में रहते हैं कि इनका जो शैली है वेदमती है कि कापालिक है। तो याद रखिएगा इनका जो शैली है ये कापालिक है। ठीक, अब देखो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो नेशनल लेवल के जितने भी आपके अखबार थे, जितने भी न्यूज़पेपर थे, उन सभी में यदि आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कापाली शैली की पंडवानी गायिका तीजन बाई को आपका पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो जब नेशनल लेवल में जब ये न्यूज़ चल रहा है तो आपको भी यही याद रखिए कि कापालिक शैली की यह पंडवानी गायिका है। इसके बाद देखिए इन्हें तो अभी वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, लेकिन प्रश्न आपसे डायरेक्टली ये पूछ सकता है, लेकिन जो उन्हें पिछला जितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उसे भी याद रखिएगा। देखिए वर्ष 1987 में सबसे पहले तीजन बाई को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब, वर्ष 1987 में। उसके बाद 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2018 में यानी इस साल इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण। तीजन बाई को वर्ष 1987 में पद्मश्री से नवाजा गया, वर्ष 2003 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया और अभी वर्ष 2018 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। तीनों के तीनों डेट याद रखिएगा, तीनों के तीनों डेट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक,
ये जो पद्म विभूषण है भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, इसे भी याद रखिएगा, भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। और यह जो आपकी तीजन बाई है ये पद्म विभूषण पाने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र व्यक्तित्व बोलिए या महिला बोलिए, एकमात्र व्यक्ति है या महिला है, ठीक। तो ये जो पद्म विभूषण है ये आपका भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है, तो इनका डेट भी याद रखिएगा। दूसरे व्यक्ति है जिन्हें ये प्रदान किया गया है पद्म पुरस्कार, वो है आपके अनुप रंजन पांडे, जिन्हें कला एवं संगीत के लिए इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। इनकी संस्था का नाम है आपका बस्तर बैंड। ये जो बस्तर बैंड है ये आपका व्यापम में आ चुका है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। जो व्यापा में पूछा गया था कि बस्तर बैंड से संबंधित है, जिसमें 3-4 कलाकारों के नाम लिखे हुए थे, तो याद रखिएगा अनूप रंजन पांडे, जिन्हें कला एवं संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री 2018 से सम्मानित किया गया है, तथा इनके संस्था का नाम है आपका बस्तर बैंड, ठीक। देखिए पद्म पुरस्कार से प्रदेश से केवल ये आपके तीजन बाई और अनूप रंजन पांडे, केवल इन दो कलाकारों को ही नवाजा गया है, लेकिन तीसरे एक और है, इनका नाम याद रखिएगा, बुद्धादित्य मुखर्जी। ये छत्तीसगढ़ से, इनका जो कार्य क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ नहीं है, लेकिन इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, इसे याद रखिएगा। बुद्धादित्य मुखर्जी जिनका जन्म हुआ था आपका दुर्ग जिले के भिलाई में आपके बुद्धादित्य मुखर्जी का जन्म हुआ था, जिन्हें कला एवं संगीत के क्षेत्र में आपका पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है, जो कि आपके जो बुद्धादित्य मुखर्जी है ये आपके सितार वादक है, ठीक है, इनका याद रखिएगा। ये किस वाद्य यंत्र में पारंगत है, तो सितार वाद्य यंत्र में ये पारंगत है। दुर्ग जिले के भिलाई में इनका जन्म हुआ था, बुद्धादित्य मुखर्जी, जिन्हें कला एवं संगीत के क्षेत्र में आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो देखिए वर्ष 2018 का देख लीजिए, पद्मश्री से नवाजा गया है अनूप रंजन पांडे को, पद्म भूषण से नवाजा गया है बुद्धादित्य मुखर्जी। छत्तीसगढ़ में इनका जन्म जरूर हुआ, लेकिन ये छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, इनका कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ नहीं रहा है, ठीक। उसके बाद पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है आपके तीजन भाई को। नेक्स्ट निधन देख लीजिए, कांति कुमार ढीठी जिनका हाल ही में 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, ये छत्तीसगढ़ के अभी तक एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी ये अंतिम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आपके जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए छत्तीसगढ़ में जितने भी उन्होंने भाग लिया था। इनका जो जन्म हुआ था इनका भठेली ग्राम कुरुद धमतरी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने वर्ष 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, जिसके लिए इन्हें 6 वर्ष की सजा हुई थी, 6 साल की सजा हुई थी। तो याद रखिएगा कांति कुमार ढीठी जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है, जिनका संबंध है आपका भठेली ग्राम कुरुद धमतरी से, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें 6 साल की सजा हुई थी, ठीक। नेक्स्ट देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसका आयोजन हुआ आपका महाराष्ट्र पुणे में, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजन कहाँ हुआ, महाराष्ट्र पुणे में। इसमें देखिए महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पर रहा, सेकंड नंबर पर रहा आपका हरियाणा, और थर्ड पोजीशन पर रहा आपका दिल्ली, रैंक भी याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ, पुणे महाराष्ट्र में, रैंकिंग याद रखिएगा, पहले नंबर पर था सर्वाधिक पदक के साथ आपका महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर था आपका हरियाणा, और थर्ड पोजीशन पर था आपका दिल्ली। अब हमारे छत्तीसगढ़ का रैंकिंग देखिए इस खेलो इंडिया यूथ गेम में जो छत्तीसगढ़ की रैंकिंग थी वो थी आपकी 24th, 24वें नंबर पर था हमारा छत्तीसगढ़ इस खेलो इंडिया यूथ गेम में, जिसे कुल आपके 10 पदक प्राप्त हुए थे, जिसमें से आपके 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 4 आपके कांस्य पदक थे, ठीक। छत्तीसगढ़ खेलो इंडिया यूथ गेम में 24वें स्थान पर रहा, जिसे कुल 10 पदक प्राप्त हुए थे, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल है। अब इसमें देखिए कुछ खिलाड़ियों के नाम देख लीजिए, इसमें ये जो आपके 2 स्वर्ण पदक है इन्हीं खिलाड़ियों के पहले आप नाम देख लीजिए। देखिए ये है आपके आकर्षी कश्यप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से, जिन्हें मिला है आपका स्वर्ण पुरस्कार या स्वर्ण पदक विजेता है इस खेलो इंडिया यूथ गेम में। दूसरे स्वर्ण पदक विजेता है आपके शिवाक्ष साहू, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। देखिए
200 मीटर की तैराकी में इन्हें स्वर्ण पदक जीता। इस खेलो इंडिया यूथ गेम में 200 मीटर की तैराकी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। दूसरा, 200 मीटर बटरफ्लाई फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई में इन्होंने रजत पदक जीता। और 100 मीटर बटरफ्लाई में इन्होंने आपका कांस्य पदक जीता। देखिए, ये भी आपके जो बटरफ्लाई है, ये जो तैराकी का एक पार्ट है, मतलब एक इवेंट है जिसमें बटरफ्लाई एक उसका हिस्सा है तैराकी का। तो उसमें देखिए, 200 मीटर की तैराकी में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, 200 मीटर बटरफ्लाई स्टाइल में उन्होंने रजत पदक जीता और 100 मीटर बटरफ्लाई स्टाइल में उन्होंने कांस्य पदक जीता। छत्तीसगढ़ के पहले और अभी तक के एकमात्र ऐसे तैराक है जिन्हें तीनों पदक प्राप्त हुए हैं। किसी भी प्रतियोगिता में तैराकी के क्षेत्र में 3 पदक पाने वाले अभी तक के एकमात्र और पहले आपके खिलाड़ी कौन है? शिवाक्ष साहू, याद रखिएगा, शिवाक्ष साहू तैराकी, जिन्हें स्वर्ण रजत और कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट एंड रैंकिंग। देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआईई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के द्वारा अभी हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों की बेरोजगारी दर, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर जारी किया गया। कब तक का? दिसंबर 2018 तक की स्थिति में, याद रखिएगा, दिसंबर 2018 तक की स्थिति में। देखिए, बेरोजगारी दर की जो रिपोर्ट है, ये हमारे इंडिया की एक एजेंसी है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके द्वारा यह आपका जो रैंक है या ये जो बेरोजगारी दर है, ये जारी किया गया है। एक और बेरोजगारी दर जारी किया जाता है आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो अभी देखिए, प्रश्न आपसे क्या पूछेगा उसे ध्यान से समझिएगा। या तो आपसे सीएमआईई के द्वारा जो बेरोजगारी दर पूछेगा, या तो आपसे विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के द्वारा बेरोजगारी दर क्या है ये पूछेगा। तो प्रश्न को देख के लगाइएगा। जब विश्व बैंक का रिपोर्ट आएगा तो मैं आपको विश्व बैंक वाला समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी जो बेरोजगारी दर की जो रिपोर्ट आई है, दिसंबर 2018 तक की स्थिति में भारत का जो बेरोजगारी दर है वो है आपका 7.4%। एक्चुअली में ये है आपका 7.38%, लेकिन इसे याद रखिएगा कि जो भारत का जो बेरोजगारी दर है सीएमआईई के अनुसार वो है आपका 7.4%, जबकि छत्तीसगढ़ का जो बेरोजगारी दर है वो है आपका 22.2%, यानी 22.2% आपका छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर है। ठीक, इसी सीएमआईई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक बेरोजगारी दर या भारत का सर्वाधिक बेरोजगार किस राज्य में है पूछा जाए, तो वो है आपका त्रिपुरा। बेरोजगारी दर सर्वाधिक कहाँ पर है? त्रिपुरा में, उसके बाद है हरियाणा में। त्रिपुरा में लगभग 28.8%, 28.8% आपका त्रिपुरा का बेरोजगारी दर है, जबकि हरियाणा का बेरोजगारी दर है आपका 24.4%। तो इसी आपका 28.8% के साथ त्रिपुरा फर्स्ट पोजिशन पर है, सेकेंड पोजिशन पर 24.4% के साथ आपका हरियाणा सेकेंड पोजीशन पर है। देखिए, छत्तीसगढ़ की क्या रैंकिंग है मुझे यह नहीं मिला, अगर आप में से किसी को भी मिलेगा तो नीचे कमेंट करके विथ सोर्स, मतलब आपको जहां से भी आपको मालूम चल रहा है कि छत्तीसगढ़ की रैंकिंग क्या है, उसका लिंक नीचे कमेंट में दे दीजिएगा। जैसे अगर आपको मैं देखूं बताऊं इसमें, तो देखिए, त्रिपुरा का है आपका 28.8, हरियाणा का है 24.4, छत्तीसगढ़ का है 22.2। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ थर्ड या फोर्थ पोजीशन पर होगा। देखिए, मैं होगा बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट बता नहीं रहा हूँ। यदि आप में से किसी को मालूम चल जाए कि छत्तीसगढ़ की रैंकिंग क्या है इस सीएमआईई रिपोर्ट के अनुसार, तो उसे नीचे कमेंट करके उसका लिंक, जो भी सोर्स से आप इसको पता किए हैं, उसके लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो भारत का बेरोजगारी दर कितना है? 7.4%, और छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर कितना है आपका? 22.2%। नेक्स्ट, ODF प्लस शहर, यानी खुले में शौच मुक्त शहर की अभी एक रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें 5 लाख से अधिक आबादी वालों शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें ODF प्लस शहर के हिसाब से जो आपका फर्स्ट पोजीशन पर था वो था आपका मध्य प्रदेश का इंदौर, और सेकंड पोजीशन पर था हमारा दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का भिलाई शहर। तो याद रखिएगा, ODF प्लस शहर में फर्स्ट पोजीशन पर कौन था? आपका इंदौर, जबकि सेकंड पोजीशन पर था आपका भिलाई। ठीक, ये जो भिलाई है छत्तीसगढ़ में, यदि देखिए इंडिया लेवल पे सेकंड पोजीशन पर है, छत्तीसगढ़ में फर्स्ट पोजीशन पर है, किसमें? ODF प्लस रैंकिंग में। तो याद रखिएगा, ODF प्लस रैंकिंग में नेशनल लेवल पे या आपके अखिल भारतीय स्तर पर ODF प्लस की रैंकिंग में जो भिलाई है वो सेकंड पोजीशन पर है, जबकि स्टेट लेवल पे भिलाई आपके फर्स्ट पोजीशन पर है 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। नेक्स्ट, घोषणा।
धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जारी किया गया था पिछले वर्ष, वो था आपका सामान्य जो धान है उसके लिए था आपका 1750 रुपये, और जो ग्रेड ए वाला धान था उसके लिए था आपका 1770 रुपये, जिस पर आपका जो पिछली सरकार है उसने 300 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया था। तो 300 रुपये बोनस के साथ जो छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी की जा रही है आपका 2050 रुपये में, 2050 रुपये में सामान्य धान की खरीदी की जा रही थी, लेकिन इसी बीच में नई सरकार आई, नई सरकार ने अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा लिखा था कि उनकी यदि सरकार आएगी तो 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से वे धान की खरीदी करेगी। तो ऑलरेडी धान आपका 250 रुपये प्रति कुंटल में ऑलरेडी खरीदा जा चुका है, तो अभी जो आपकी अतिरिक्त राशि है यानी 450 रुपये, ये 450 रुपये अभी अलग से किसानों के अकाउंट में भेजे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, वर्तमान में जो धान की खरीदी की गई है वो है आपके 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। खरीदी तो वैसे आपके 2050 के हिसाब से ही किया गया था, लेकिन जो अतिरिक्त आपका 450 रुपये की राशि है वो बाद में अभी सभी के अकाउंट में भेजा जाना अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है अभी इस वर्ष, 2500 रुपये प्रति कुंटल। देखिए, धान खरीदी का लक्ष्य इस बार अभी बढ़ाया गया है, तो अभी जो वर्तमान में धान खरीदी का जो वर्तमान लक्ष्य है वो है आपका 28 लाख मैट्रिक टन। धान खरीदी का लक्ष्य कितना है, 28 लाख मैट्रिक टन। देखिए, ये अभी जनवरी तक का है, अभी फरवरी में शायद चेंज हुआ होगा तो आपको फरवरी के करंट अफेयर में बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल यही याद रखिए कि धान की जो खरीदी है वो 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से की जा रही है, और कितना लक्ष्य निर्धारित किया यानी राज्य सरकार ने कितने धान खरीदी का लक्ष्य रखा है तो वो है आपके 28 लाख मैट्रिक टन का, ठीक। नेक्स्ट है आपका तेंदुपत्ता संग्रहण, जिसे सरकार ने 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ा करके आपका 4000 रुपये प्रति मानक बोरा करने का निर्णय लिया है, ठीक है। यानी जो धान में जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उन्हें प्रति मानक बोरा का आपका 4000 रुपये मिलेगा। पहले कितना था ये, 2500 रुपये प्रति मानक बोरा। देखिए, याद रखिएगा, मानक बोरा से प्रश्न कई बार पूछ चुका है, तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में कितने तेंदुपत्ते होते हैं, तो याद रखिएगा 50,000। तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ते होते हैं, दो बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो वो एक मानक बोरा होता है, उस मानक बोरे में या मानक बैग में 50,000 तेंदुपत्ते होते हैं, जिसका आपका 4000 रुपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से अभी उनका नया संग्रहण मूल्य तय किया गया है। देखिए, ये तो एक प्रश्न है कि अभी वर्तमान में तेंदुपत्ता का संग्रहण मूल्य कितना है, 4000 रुपए प्रति मानक बोरा। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तेंदुपत्ता के संग्रहण मूल्य में या संग्रहण दर में कितने रुपए की वृद्धि की गई है, तो याद रखिएगा 1500 रुपए की वृद्धि की गई है। प्रश्न को समझ के लगाइएगा, तेंदुपत्ता के संग्रहण मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई है, 1500 रुपए की। यानी पहले कितना था, 2500 रुपए, 2500 में 1500 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 4000 रुपए। तो याद रखिएगा, तेंदुपत्ते के संग्रहण मूल्य में जो पहले 2500 रुपए प्रति मानक बोरा था उसमें 1500 रुपए की वृद्धि करके 4000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है, ठीक। तो इतना सारे करंट अफेयर थे जनवरी माह के, इसे याद रखिएगा, सारे के सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आज का हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जैसे जनवरी माह के करंट अफेयर पर हमने चर्चा किया, यहीं समाप्त करते हैं। जैसे कि आपको मैंने कहा था कि जो भी आपके जो मैंने पोल जनरेट किए थे कि सीएमओ का सिलेबस कवर किया जाए, कि आपका पीएससी का सिलेबस कंटिन्यू किया जाए, तो उसमें मेजॉरिटी जो है आपके सीएमओ के सिलेबस की रही है। देखिए, सीएमओ का सिलेबस मैं प्रारंभ कर दूंगा, लेकिन सारे टॉपिक कवर करा पाना थोड़ा मुश्किल है। क्या है, जैसे कि आप सभी को मालूम है, जिस फ्रीक्वेंसी में अभी वीडियो आ रहे हैं, मतलब 2-3 दिन, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। आपका वीडियो इसी टाइम ड्यूरेशन के बाद ही आएगा, जितना मैं अभी लेता हूँ, मतलब 2-3 दिन के गैप में ही आएगा। अभी तक वैसे तो आपका एग्ज़ाम डेट आया नहीं है, हम सिलेबस ज़रूर चालू कर देंगे, लेकिन देखिए सारे टॉपिक कवर करा पाना मुश्किल है। जो जो टॉपिक मेरे से हो सकते हैं उतने टॉपिक मैं आप लोग को बता दूंगा। सीएमओ का फॉर्म मैंने ही भरा है, लेकिन सीएमओ का अभी जो नॉलेज है वो मेरे को भी जीरो है, सारे टॉपिक नए हैं। आप सभी को मालूम है सीएमओ के अलावा ये टॉपिक और किसी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक। 2010 में इसका एक बार एग्जाम हुआ था, इसके कोई भी सोर्स आपके मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। तो जिस स्तर तक मैं समझा सकता हूं, उस स्तर तक आपको जितने टॉपिक हो सकते हैं उतना मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो अब क्या प्लानिंग बनता है, सीएमओ का कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चल जाएगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।